ये हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे यमन के बारे में। यमन हम देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच में है, और इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया है, दूसरी तरफ ओमान। लैंड बॉर्डर्स और ओशन बॉर्डर्स रेड सी और गल्फ ऑफ अदन। यहाँ पे बाब अल मंदाब स्ट्रेट है, और यहाँ पे पिछले 7 साल से लड़ाई चल रही है हुतीस के बीच में, और जो वहाँ की सरकार है हाउतीस पीपल जो है, उन्होंने साना और ये वेस्टर्न पार्ट कैप्चर कर रखा है। हाउतीस कौन है? हाउतीस जो है वो शेयर सेक्ट, जैदी शेयर सेक्ट से आते हैं। इनका रूट जो है वो सादा, ये एक सादा प्रोविंस है यहाँ पे, वहाँ से हैं, और ये टोटल पॉपुलेशन के 35% है। शुरू में इन्हीं का रूल था यमन में, जैदीस का ही 1962 तक। उसके बाद जो है वहाँ सिविल वॉर हुई और 1970 में ख़त्म हो गए। उसके बाद मतलब नई सरकारें बनी, वो उसमें इनका ज़्यादा रोल नहीं था। फिर ये धीरे धीरे जो सलाफी मूवमेंट था उसके अगेंस्ट थे, तो रेजिस्ट करते करते ये मिलिशिया हो गए, मतलब इन्होंने आर्म रिबेलियन भी शुरू कर दिया। और 2004 में जो इनका लीडर था हुसैन बदरुद्दीन अल हाउदी, उसको यमनी यमन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसने मार दिया। तो उसके बाद से इन्होंने अपने आप को हाउदी कहना शुरू कर दिया, जो ये जैदी शिया सेक्ट के थे। दो में जब अरब स्प्रिंग हुआ, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट, तो उसमें जो इनके प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला साले, तो वो उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा, और उनकी जगह आया है अब्द रब्बू मंसूर हादी। हादी प्रेसिडेंट थे 2015 में, जब साले जो हैं वो हाउतीस के साथ चले गए। हाउतीस बेसिकली उस समय तक इंसर्जेंट हो चुके थे, और उनको काफ़ी सपोर्ट था, इवन लोकल लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे थे। और उन्होंने साना कैप्चर कर लिया, साना यमन की कैपिटल। जब उन्होंने साना कैप्चर कर लिया तो हादी को भागना पड़ा, हादी जाके सऊदी अरब चले गए, और उसके बाद से वो वहीं पे हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि सालिस जो था 2017 में उसने अपना अलायंस तोड़ लिया हाउदी से, और हाउदी रिबल ने उनको भी मार दिया। उसके बाद से ही, या कह सकते हैं उसी के साथ से, जब से हादी जो है वो सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब ने यहाँ पे बम गिराने शुरू किए हैं। मतलब वो एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बॉर्डर पे, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा, यमन का काफ़ी बड़ा बॉर्डर जो है वो सऊदी अरब से लगता है। और सऊदी अरब के साथ यूएई जो दूसरी छोर पे है, इधर नहीं, वो भी क्या कहते हैं इस लड़ाई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है, क्योंकि इनका मानना है कि ईरान इनको बैक कर रहा है, हाउदी को ईरान जो है सपोर्ट दे रहा है इनडायरेक्टली। और इसमें एक सेक्टेरियन लड़ाई भी है शिया सुन्नी वाली, कि सऊदी अरबिया और ये सब जो हैं वो सुन्नी हैं और हाउदी जो हैं वो शिया हैं, एक वो लड़ाई भी चल रही है इसमें। तो इसमें इतना ही था, धन्यवाद।